तेरी चुनरिया दिल ले गई। यस वेल, सलमान की चुनरिया तो नहीं है, लेकिन सलमान का हर अंदाज ऑडियंस का दिल लेकर चला जाता है, चाहे वो उनका बच्चों के प्रति प्यार हो, चाहे वो फैंस को लेकर उनका इक्वली रेसिप्रोकेट करना, चाहे वो उनका बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन हो, चाहे वो उनका बीइंग ह्यूमन नेचर हो, चाहे वो दरिया दिली हो, चाहे वो उनकी फिटनेस हो, चाहे वो उनका फिटनेस आइडल बनना हो, हर चीज़ सलमान खान की ऑडियंस के दिलों तक पहुँचती है। और चलिए इसी बारे में आपसे बात करती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। दोस्तों सलमान खान एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके लिए जितना भी प्यार जताया जाए ना वो शायद कम है। जिस तरीके से सलमान अपने फैंस को प्यार करते हैं, जिस तरीके से फैंस सलमान को प्यार करते हैं, हाल ही में उससे रिलेटेड एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जहां सलमान ने खुद एक वीडियो, एक फिजिकली चैलेंज्ड फैन जो है सलमान खान की, अपने लेग्स के थ्रू सलमान की वीडियो, सलमान की एक फ़ोटो जो है वो पेंट कर रही है और बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहा है तेरी चुनरिया, यू नो सलमान खान का हेलो ब्रदर से सॉन्ग है ये। वहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह के प्यार सलमान खान के लिए दिख रहा है उस फैन का, उस चीज़ को पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। साथ ही साथ हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन, जी हाँ, उन्होंने, जिनकी दोस्ती सलमान के साथ काफ़ी पॉपुलर है, आईफा में भी, जब आईफा मकाओ में हुआ था वहाँ पर सिल्वेस्टर स्टेलोन और साथ ही साथ सलमान खान एक दूसरे से फ्रेंडशिप निभाते हुए नजर आए थे। वेल सिल्वेस्टर जो है वो हमेशा से ही सलमान के अच्छे दोस्त माने गए हैं, अच्छे वेलविशर माने गए हैं, और हमेशा से सलमान की पॉपुलैरिटी को उन्होंने हमेशा माना है। हमेशा उन्होंने ये बात कही है कि सलमान खान की जो स्टार्डम है, जो पॉपुलैरिटी है, जॉन सिन्हा भी इस बात को मान चुके हैं कि वो अनबीटेबल है, लोग पूजते हैं सलमान खान को। और जिस तरीके से उन्होंने वीडियो के नीचे कॉमेंट किया है, दैट इज़ लव एंड डिवोशन, यस, और साथ में लिखा है सैली, यानी कि SLY। तो वो शायद उनका प्यार से उन्हें सलमान को वो बुलाते होंगे सैली, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, जिस प्यार से वो वीडियो सलमान ने अपलोड किया है। हालांकि सलमान ने खुद कमेंट सेक्शन, खुद कैप्शन दिया है, आई कैन नॉट इवन रेसिप्रोकेट टू द लव। जिस लेवल का प्यार सलमान खान को मिलता है उसकी बराबरी करना शायद किसी भी एक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। लोग लिटरली पूछते हैं सलमान खान को, और सिल्वेस्टर और सलमान की जो दोस्ती है वो हमेशा से ही टॉक ऑफ द टाउन बनी रही है। जिस तरीके से सिल्वेस्टर स्टेलोन हर चीज़ में सलमान खान को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो भारत फिल्म हो, चाहे वो सुल्तान में उनका वो रॉक सॉलिड लुक हो, या फिर उनकी आने वाली जो दबंग फिल्म है उसको लेकर एक्साइटमेंट की बात हो, हर चीज़ में सलमान खान को अप्रिशिएट किया है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने। इन दोनों की फ्रेंडशिप हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है। सलमान भी काफ़ी बड़े प्रशंसक रहे हैं हमेशा से सिल्वेस्टर स्टेलोन के। सो इन दोनों की फ्रेंडशिप को लेकर आपका क्या कहना है? और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में सलमान का लोहा ज़ोर से बोलता है, और जिस तरीके से सलमान खान के लिए दीवानगी है लोगों में, वो शायद बीट करना किसी के बस की बात नहीं है। सो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में, वीडियो के नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवी बता को। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। हेलो गाइज, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। वेल हमेशा से सलमान खान जो है वो दरिया दिली का एक तरीके से यू नो आइडल माना जाता है, माने जाते हैं। जिस तरीके से सलमान जो है हर बार अपने दोस्तों की मदद करते हैं, काफ़ी एक्टर्स को लॉन्च करते हैं, इंडस्ट्री में एक नया स्पेस देते हैं, और इस बार नन अदर देन महेश मांजरेकर की बेटी, यस, यानी कि साई मांजरेकर को उन्होंने ब्रेक देने का फैसला कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सलमान जो है वो दबंग 3 में दो तरीके कैरेक्टर्स में नजर आने वाले हैं, एक चुलबुल पांडे द यंग लुक वाला, और एक चुलबुल पांडे जो प्रेजेंट में चल रहा है जो कि रज्जो के साथ पेड अप है। लेकिन जो यंग लुक वाला है वो साई मांजरेकर के साथ पेड अप होने वाला है, जिसको लेकर महेश मांजरेकर ने फाइनली, वैसे तो ऑफिशियल कन्फर्मेशन हो ही चुकी थी, लेकिन महेश मांजरेकर ने खुद भी इस बात को ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है। यस, अगर मैं बात करूँ यू नो जिस तरीके से महेश जो है उन्होंने हमेशा से सलमान के साथ उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली है, चाहे वांटेड हो, चाहे दबंग 1 हो, जिसमें वो रज्जो के फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उनकी कॉमिक टाइमिंग हमें बहुत पसंद आती है। सलमान और महेश का हमेशा से एक यूनिक रिश्ता रहा है, दोनों काफ़ी फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं, एंड डेफिनेटली बहुत ही आइकॉनिक ये पेयरिंग होने वाली है, बिकॉज एक अनयूजुअल सी कन्वेंशनल जोड़ी नजर आएगी जब सलमान को हम काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी यंग लुक में देखेंगे और उनके साथ सई मांजरेकर जो है वो डेब्यू करेंगी। इस चीज़ को लेकर महेश मांजरेकर ने दिल से थैंक यू कहा है सलमान को, और कहा है कि मैं कभी उनका एहसान नहीं भूलूंगा, जिस तरीके से वो उन्होंने मेरी बेटी को ये रोल ऑफर किया है, एक तरीके से एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, दबंग जैसी फ्रेंचाइज से उनका डेब्यू होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर महेश ने बहुत सारा थैंक यू किया है सलमान खान को। लेकिन आपके क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ पर, वीडियो के नीचे जाइए, कॉमेंट सेक्शन में बताइए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल मूवीज अड्डा। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।
ready? The hand. Okay, ready? One, two, three. You're supposed to go there. One, two. Ready? The hand. Okay, ready? One, two, three. You're supposed to go there. One, two. Ready? The hand. Okay, ready? One, two, three. You're supposed to go there. One, two. Ready? The hand. Okay, ready? One, two, three. You're supposed to go there. One, two. साइको सैया जो कि चले गए थे यानी कि पोस्टपोन हो गए थे, उनकी रिलीज डेट फाइनली आ चुकी है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा, दिस इज ज्योति नाहक एंड मैं बात कर रही हूँ साहू की। यस, साहू की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था। काफ़ी लोग ऐसी अजम्पशंस कर रहे थे कि शायद बाटला हाउस और मिशन मंगल के साथ साहू आ रही है, कहीं ना कहीं तीन बड़ी बड़ी फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर आएंगी तो किसी ना किसी को तो अफेक्ट ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। र्यूमर्स को साइड करते हुए मेकर्स ने खुद इस बात को अनाउंस किया कि उन्होंने डेट शिफ्ट करने का फैसला इसलिए है क्योंकि VFX यानी कि जो ग्राफिक्स की टीम है उसके थ्रू काम अभी भी थोड़ा सा पेंडिंग है, जिसको लेकर डेट को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है और अब फाइनली इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है। यस, तो सारे साहू के फैंस और प्रभास और श्रद्धा कपूर के फैंस दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि फिल्म रिलीज होने वाली है 30th ऑफ अगस्त को। यस, 15th अगस्त के बजाय 15 डेज शिफ्ट कर दी गई है साहू, और कहीं ना कहीं जिस तरीके का बज़ है इस फिल्म का, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन एंटरटेनर्स होने वाली है। उसके साथ साथ ये फिल्म जो है हिंदी, तमिल और तेलुगु तीन लैंग्वेजेस में बन रही है, ट्राइलैंगुअल ये फिल्म बनने वाली है। उसके अलावा दोस्तों प्रभास का जिस लेवल का क्रेज़ हो चुका है आफ्टर बाहुबली, अब एक इंडियन ऑडियंस भी उन्होंने ग्रैब कर ली है, और साथ ही साथ श्रद्धा कपूर ऑफकोर्स नज़र आ रही है, एक पावर पैक एक्शन मोड में नज़र आने वाली है। सो साहू के लिए वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑफकोर्स 15th अगस्त तो दो बड़ी बड़ी फिल्में आ ही रही हैं, जिस तरीके से बाटला हाउस है, उसके बाद मिशन मंगल है, ट्रेलर सुपर्ब है दोनों फिल्म्स का, और लेकिन अब साहू जो है 30th अगस्त को आने वाली है। तो क्या कुछ जानना चाहते हो साहू के बारे में, और वीडियो आपका है, कमेंट सेक्शन में भी आप जाइए, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा इंडस्ट्री में एक हॉट कपल माने जाते हैं और शायद इसलिए इन दोनों के डिवोर्स की खबर ने हम सबको हैरान कर दिया, मगर अब इस बात को भी काफी वक्त हो चुका है और ये दोनों एक्सेस अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। जहां मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की लव स्टोरी सोशल मीडिया पर रंग जमा रही है, वहीं अरबाज खान और जॉर्जिया इंद्रियानी की लव स्टोरी भी कमाल कर रही है। पर जब एक इंटरव्यू के दौरान अरबाज से उनके और मलाइका के रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मलाइका और मैं कई साल तक एक साथ रहे, हमारे बीच एक प्यारा सा बंधन था, हमारा एक बेटा भी है, मगर किसी कारण हम दोनों अब साथ नहीं हैं, पर फिर भी हम एक दूसरे की काफी इज्जत करते हैं। तो अरबाज के स्टेटमेंट को सुनकर आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। पिछले साल फिल्म भारत की शूटिंग के दौरान सलमान खान की मां सलमा खान भी उनके साथ माल्टा गई थी और यहां उन्होंने कटरीना कैफ के साथ खूब बॉन्ड किया। इसी स्केड्यूल के दौरान अर्पिता खान ने सलमा खान और कटरीना कैफ की एक प्यारी सी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल की, जहां ये दोनों एक दूसरे को हग करते नजर आए, और गेस व्हाट, इस पिक्चर में कटरीना दुल्हन के जोड़े में नजर आई। फिर क्या, फैंस को लगने लगा कि अर्पिता
इस पिक के जरिए कोई बड़ा खुलासा कर रही हैं और सभी को यकीन हो गया कि आखिर भाईजान कटरीना से शादी कर रहे हैं। पर नहीं, कैट का ये ब्राइडल लुक तो उनकी फिल्म भारत के लिए था। फैंस को जब ये पता चला तो वो काफी डिसअपॉइंट हुए, लेकिन समय के साथ साथ वो इस पिक को भूल गए। पर अर्पिता ने कटरीना के बर्थडे के दिन एक बार फिर इस पिक्चर को शेयर करते हुए उन्हें विश किया। अब ये देखकर एक बार फिर भाईजान के फैंस ने इस पिक्चर को सास बहू कहा और कटरीना भाभी को विश करते हुए अर्पिता से रिक्वेस्ट की कि वो भाईजान को कैट से शादी करने के लिए कन्विंस करें। तो क्या अर्पिता भाईजान के फैंस की ये बात मान लेंगी, ये देखना अभी बाकी है। खैर, आपको कटरीना की ये थ्रोबैक पिक्चर कैसी लगी हमें बताना ना भूलें।